नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को पुलिस ने मरवाही सदन से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर शपथ पत्र में नागरिकता की गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी हल्फनामे में जन्म स्थान, जन्म तिथि और जाति को लेकर गलत जानकारी दी थी। जोगी को गैरोला के कोर्ट में पेश किया जाएगा। समीरा पैकारा ने अमित जोगी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कराया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसको लेकर कल बड़ी संख्या में समीरा ने प्रदर्शन करते हुए अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग की थी। मंगलवार सुबह से ही बिलासपुर और गोरेला पुलिस पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के घर पर पहुंची थी। जोगी के समर्थक भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनको किनारे कर अमित जोगी को मरवाही सदन से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे, पुलिस उन्हें गोरेला न्यायालय ले जा सकती है। समीरा पैकारा ने नेतृत्व में आदिवासियों ने सोमवार को अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए अमित जोगी के खिलाफ फरवरी 2019 को सिविल लाइन थाना में दर्ज मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग की थी। बता दें कि समीरा पैकारा ने वर्ष 2013 में मरवाही विधानसभा से भाजपा की टिकट पर अमित जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में हार मिलने के बाद समीरा ने चुनाव में नामांकन के समय छूट और गलत जन्म स्थान बताने को लेकर थाने में धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध करवाया था। पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार कर पेंड्रा रोड स्थित व्यवहार न्यायालय में पेश किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय में शासन की ओर से संजीव सरकारी वकील राय ने पक्ष रखा। वहीं अमित जोगी ने वकील ना लेकर खुद अपनी पैरवी की, लेकिन जेल या बेल इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अमित जोगी ने हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर जज के सामने पैरवी की। उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के सामने कहा कि यह भारत का पहला मामला है जिसमें हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद उस फैसले को थाने में चुनौती दी जा रही है। मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष बस ऐसा किया गया है कि मुझे आज दंतेवाड़ा में जाकर चुनाव प्रचार करना था। हमारी पार्टी का प्रत्याशी वहां से खड़ा है, उसे प्रभावित करने के लिए मुझे आज गिरफ्तार किया गया है। मैंने इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। हाई कोर्ट से प्राप्त फैसले को थाने में चुनौती देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। बता दें कि आज सुबह JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को मरवाही सदन में गिरफ्तार किया गया है। शपथ पत्र में नागरिकता की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेत्री समीरा पैकारा ने अमित जोगी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अमित जोगी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है। अमित जोगी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज करते हुए 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल पर भेज दिया है। जेल भेजे जाने से पहले अमित जोगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्यवाही की है उनके ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। माननीय न्यायालय मेरे साथ हैं और भूपेश बघेल के साथ उनका राजनीतिक शौचालय है, यहां से बैठकर वह अपनी बदलापुर की गंध फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे सेशन कोर्ट में अर्जी पेश की जाएगी, उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। बता दें कि आज सुबह JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को मरवाही सदन में गिरफ्तार किया गया है। शपथ पत्र में नागरिकता की गलत जानकारी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेत्री समीरा पैकारा ने अमित जोगी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया था। बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई करी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। माननीय न्यायालय मेरे साथ है और भूपेश बघेल के साथ उनका राजनीतिक शौचालय है, जहां से बैठकर वो अपनी बदलापुर की गंध फैला रहे हैं। फिलहाल इस फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट है, वहाँ पे अर्जी प्रस्तुत की जाएगी और फिर उसके बाद हाई कोर्ट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।